नवाब शाह में पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा का डायरेक्टर पर हिरासत करने और वार्डन की जानिब से तशद्दुद करने का इल्ज़ाम। मेडिकल के 5वें साल की तालिबा परवीन बलोच का कहना है यूनिवर्सिटी डायरेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत 4 साल से हिरासत कर रहा था, बात न मानने पर तंग किया जाता रहा। आज फरीन और आतिका नामी हॉस्टल वार्डन्स ने कमरा बंद करके तशद्दुद किया, गला देने की भी कोशिश की। हाउस जॉब करने वाली परवीन के मुताबिक मेडिकल यूनिवर्सिटी में तालिबात महफूज नहीं है, इससे जान का खतरा भी है। लड़की की सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो से मुलाकात और इंसाफ की यकीन दहानी भी काम नहीं आई। इंतजामिया ने लड़की को हॉस्टल के कमरे से जबरदस्ती बेदखल कर दिया है। और आतिका मुझे बहुत तशद्दुद किया, मुझे मारा, मेरे रूम में दाखिल होके रूम लॉक करके मुझे मेरा गला दबाया, चिल्ला के मैं बाहर भागी, घसी दीवार पर टक्कर मारे, मोबाइल छीनने की कोशिश की, पूरी यूनिवर्सिटी देख रही थी। डायरेक्टर मुस्तफा राजपूत ने हरासमेंट की थी, उनकी बात हमने नहीं मानी थी। फर्स्ट ईयर से लेके आज तक मुझे तंग किया गया। पीएमसी में कोई भी सेफ्टी नहीं है लड़कियों के लिए। मैडम अजरा से मैं मिली थी, बोला हम आपका इंसाफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं सुनता, कोई भी इंसाफ नहीं होता। इंसाफ दिया जाए, मुझे मेरी जान का खतरा है। लाहौर में खातून की गैर